टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जैसे कि हमने पढ़ा है पहले इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब कब लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता ही लगता है इट कैन बी इन रेस्ट रेस्ट में हो सकता है मोशन में हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही मैग्नेटिक फोर्स की एक कंडीशन होती है कि चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इन मोशन अब मोशन दो तरह से हो सकता है यूनिफॉर्म भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है सो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लग सकता है वेरिएबल वेलोसिटी अब जैसे कि कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है या स्पीड चेंज हो रहा है सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी, मोशन होना चाहिए देखो तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा एक कंडीशन और होती है लेकिन उससे पहले मैं एक फार्मूला पढ़ा देता हूँ उसके बाद वो तो हम कंडीशन की बात करेंगे कि फ़ोर्स लगेगा या नहीं लगेगा सबसे पहले हम फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन द ब्रैकेट वी क्रॉस बी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वी क्रॉस बी यह एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम चार्ज से जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस के साथ हमें लेना है नेगेटिव चार्ज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ हमें लेना पड़ेगा तो एक नया वेक्टर हमें मिलेगा फोर्स वेक्टर सो दिस न्यू वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स वी क्रॉस बी यहां सब देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा क्यू वी बी साइन थीटा अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि ये फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है हम सभी को मालूम है कि थीटा की वैल्यू जीरो से एट्टी के बीच हो सकता है थीटा का वैल्यू अगर हमने ज़ीरो डिग्री ले लिया या वन एट्टी डिग्री ले लिया तो ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगा फोर्स इज ज़ीरो से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ गई वेलोसिटी मस्ट नॉट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो क्या क्या हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है बिल्कुल सही सो so हम चाहते हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो ना हो फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो थीटा का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू वन एटी डिग्री इनके अलावा कोई भी एंगल होगा चलेगा ज़ीरो से वन एट्टी के बीच थर्टी हो सकता है सिक्सटी डिग्री हो सकता है नाइन्टी डिग्री हो सकता है वन ट्वेंटी हो सकता है इन इन केसेस में फोर्स आएगा और इनका डायरेक्शन भी देखो कैसे हो सकता है फोर्स का जो एफ वेक्टर है वो है क्यू इंटू वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी का हम डायरेक्शन देख लेंगे फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो वी क्रॉस बी का होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है सो so, यहां से हम देख सकते हैं इफ क्यू इज पॉजिटिव देन एफ वेक्टर इज अलोंग वी क्रॉस बी और अगर चार्ज नेगेटिव है इफ क्यू इज नेगेटिव देन एफ वेक्टर इज अलोंग माइनस ऑफ या अपोजिट कह सकते हैं माइनस ऑफ वी क्रॉस बी और अपोजिट टू वी क्रॉस बी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे हम फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे सपोज दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन सपोज वेलो सिटी का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई तो यहां से देख सकते हो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव जेड के अलोंग आएगा डायरेक्शन ऑफ व्ही क्रॉस बी इज एलोंग पॉजिटिव जेड अगर मैं पेपर की बात करूँ तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा इसे हम लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल में थम्प लेफ्ट थम्प फोर फिंगर और मिडिल फिंगर की अगर मैं बात करूं मिडिल फिंगर फोर फिंगर थंब। सो यहाँ मिडिल फिंगर जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और थम जो है मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल से भी हम ये डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और यहीं से देख सकते हो कि वी क्रॉस b तो चलो ठीक है आउटवर्ड आ गया इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा इन्वर्ट हो जाएगा राइट right? तो चार्ज अगर नेगेटिव है तो इन्वर्ट हो जाएगा चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड आ जाएगा इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव आई एक्सिस, और एक प्रोटॉन आ रहा है दिस इज द प्रोटॉन Proton का वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सो so, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड रोल का यूज करें सो मिडिल फिंगर होती है वेलोसिटी फोर फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड थम्ब हो जाएगा फोर्स सो so, देख सकते हो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो थंब किधर आ गया देखो आउटवर्ड आ गया पॉजिटिव जेड एक्सिस सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग पॉजिटिव जेड ब्रैकेट में लिख लो आउटवर्ड आउटवर्ड टू पेपर पेपर के आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जैसे कि सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक इलेक्ट्रॉन है देखो इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स के अलोंग, नेगेटिव चार्ज है सो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो तो आउटवर्ड आ रहा है बट ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अब क्या होगी इस पर फोर्स की सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी यहां से देख सकते हो आउटवर्ड है सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इनवर्ड इन्वर्ट टू प्लेन ऑफ पेपर समझ आ गया लास्ट एग्जाम्पल में हमने प्रोटोन लिया था प्रोटॉन अगर होता तो आउटवर्ड लगता है उस पर फोर्स अभी इलेक्ट्रॉन है वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है बट इलेक्ट्रॉन को फोर्स अब कहाँ लगेगा इनवर्ड लगेगा इन्वर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर वी क्रॉस बी के अपोजिट और देखो एग्जांपल्स मैं प्रोटॉन के एक दो एग्जांपल और लेता हूँ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड क्रॉस साइन क्या शो करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और एक प्रोटॉन है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड वेलोसिटी इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज अब ये लेफ्ट हैंड रूल से हम देखें थंब की डायरेक्शन होती है फोर्स तो यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल हम देख सकते हैं कि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है फोर so, फिंगर का डायरेक्शन हो, हो गया है इनवर्ड मिडिल फिंगर जो वेलोसिटी के अलोंग होता है मिडिल फिंगर का डायरेक्शन हो गया है राइटवर्ड एंड थंब थंब का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाएगा पॉजिटिव Y. ऐसा कुछ हो जाएगा तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव वाई फोर्स ऑन प्रोटॉन मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव आई एक्सिस लेफ्ट हैंड रूल हमने लगाया एक और एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड ये मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट साइन होता है वेक्टर के लिए इसका मतलब है कि वो आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है लेफ्ट की तरफ डिस्चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है इस करंट इंस्टेंट में लेफ्ट की तरफ वो मूव कर रहा है सो so, वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो वी क्रॉस बी किधर होगा हम लेफ्ट हैंड रूल से अगर देखें सो मिडिल फिंगर हो जाएगा लेफ्ट की तरफ फोर फिंगर आउटवर्ड हो गया तो अब जरा देखो कहां पे थंब किधर आ रहा है मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ होना चाहिए फोर फिंगर आउटवर्ड होना चाहिए सो so, थंब आ गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बट ये जो रिजल्ट आता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और हमारे पास जो अभी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन क्लियर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है राइट बट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव सो लेफ्ट हैंड रूल से जो रिजल्ट आ रहा है फोर्स के लिए एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन में फ़ोर्स उसके अपोज़िट लगेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में